बड़े मान सम्मान के साथ परारी शहीद स्मारक धरती क्षेत्र से आप माननीय हरि सेठ आपके कोमल कर से 101 रुपए के आशीर्वाद मिलल बा। आए हुए दूर दराज से सभी भाइयों के चरणों में सौ सौ बार पल गई है, लेकिन कहना है क्या कहना है। हुआ ही पूर्व से पागल लिया हो सम्मान के साथ आप हमारे धर्म के छोटे भाई खरपत्तू खरवार गुप्ता जी आप सुनवर के सर जमी से इक्कामर रूपए कुछ सांपर धन मिलल बा। चरणों में सौ सौ बार पल गई बा। इन्हें जितने हम कही ला के जितने गेहूं में घुन होला उतने बिरहा के अंदर धुन होला। कोनो देहाती लड़का की शादी सीटीरिया में हो गई बा। वही लड़का के मतारी मनौती मनलेस कि अगर बहू अच्छी मिल जाए तो ये माई दुर्गा जी हम तोहार दर्शन कराई बे भोले बाबा। बहुत ही अच्छी मिल गई, लेकिन बहु जब मंदिर पे गई बात कहले काम मास्टर सम्मान के साथ आप माननीय रामनाथ यादव
आप अगरौरा के सरजमी से आपके कोमल कर से 201 रुपए के आशीर्वाद मिलल बा। चरणों में सौ सौ बार पलगी है, आए हुए दूर दराज से सभी भाइयों के चरणों में सौ सौ बार पलगी है। एक स्वर से नमन है, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। लेकिन बाबूजी कहना है, क्या कहना है, बड़े मान सम्मान के साथ माननीय डॉक्टर तीरथ राजे भैया के कोमल कर से 101 रुपए को सांप और धनबा चरणों में सौ सौ बार पलगी है। लेकिन कहना है, हम तो खुदई रहे बऊ रहिया, हम तो खुदई रहे बऊ रहिया, कहां पकला सम्मान के साथ आप माननीय राम नारायण यादव, आप धनिया के मऊ के सर जमी से आपके कोमल कर से कमर रूपए के आशीर्वाद मिलल बा। चरणों में सौ सौ बार पलगी बा। बात उस समय के बाद आप लोगन के बीच में जिस समय मेरा देश गुलाम था, अयोध्या की नगरी में असलम बादशाह के शासन चल रहा था, उस समय के आप लोगन के बीच में एक हम वीरस के बिरहा सुनावे जाते हैं। और शेर इंटर कॉलेज शहीद नगर, आप परम आदरणीय आप प्रबंधक साहब के बड़े भाई जयनाथ यादव जी के कोमल कर से 101 रुपए कुछ सावधन मिलल बा। चरणों में सौ सौ बार पलगी बा। भैया हम मेरे गाने का शीर्षक है कि दूध का कर्ज, गाने का शीर्षक है दूध का कर्ज। मास्टर सर लगा के आवा, Thank you.
भूमिका बा, चार लाइन गाने पर आप लोग भूमिका पर ध्यान दे, कहना है कि नाम करके अमर जो जहां सी गए, साक्षी इतिहास उसका सदा गीत गाए, मरियो मिटे आन की शान पर जान अपनी गवा, दामन माँ की बचाए, भाई असलम रहे एक अयोध्या के पास ही, तीन बेगम रही घर में उनके सुहाए, घोर चिंता में असलम थे एक पिसर के बिना, घोर चिंता में असलम जी जीवन बिताए, जिस समय मेरा देश गुलाम था, मैं अपने गीत के माध्यम से बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान की धरती 500 वर्ष मुगलों के हाथ में थी और 200 वर्ष अंग्रेजों के हाथ में थी। यह हिंदुस्तान की धरती जो है 700 वर्ष गुलाम थी, लेकिन इस समय अयोध्या में असलम बादशाह के शासन चल रहा था, उनके पास तीन बेगम थी। खुदा की करिश्मा देखिए मेरे साथियों, तीन बेगम के गर्भ से एक भी पुत्र नहीं पैदा हुए। असलम बादशाह अपने दिल के अंदर सोचे कि यह धन दौलत, यह जमीन जायदाद सब मिट्टी में है, क्या खुदा आप हमको सब कुछ दिए लेकिन एक पुत्र नहीं दिए, इस मेरे राज गद्दी को कौन चलाएगा। बाबा आंख में आंसू लेके बाबूजी रो रहे हैं, क्या खुदा आप किसी को चार छह बेटे बेटियां दे दिए हो लेकिन किसी को एक भी नहीं दिए, क्या खुदा मेरे पास तीन बेगम है, एक भी बेगम के गर्भ से आप पुत्र दिए होते तब भी मेरी राजगद्दी कोई संभाल लेता। बाबूजी गौर करिए, अपने दिल के अंदर आंख में आंसू लेके बाबूजी रो रहे हैं, जिस माँ की गोद में बेटी नहीं पैदा हुई उस माँ की गोद तरंतार नहीं होती है, अरे जिस माँ की गोद में बेटा नहीं पैदा हुआ पिता के कभी तरंतार नहीं होता है, वेद शास्त्र भी बताता है मेरे साथ। लेकिन एक पुत्र के शोक में वियोग में असलम बादशाह अपने महल के अंदर रो रहे हैं, गजल कव्वाली के टुकड़ा लगल मास्टर अंधेरी दिशा में, अधेरी दिशा में नदी का किनारा, अधेरी दिशा में नदी का किनारा, किसी की धधकती चिता जल रही है, वाली टुकड़ा पर जनहित इंटर कॉलेज के प्रबंधक माननीय आप जयराम यादव जी, आपके पूरे परिवार के स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए स्वर्ग में कहीं पूजनीय स्वर्गीय राम नरेश चचा भी रहे कि आज हिंदुस्तान के धरती पर यहाँ पर कॉलेज खुलवा के मेरे साथियों सात कुल खानदान को तरंतार कर दिए। आप
माननीय जयराम प्रबंधक जी के कोमल कर से 101 रुपए का शाबर्धन बन। भैया के कहना है कि ही गजल के वाली फिर दोहरा दीजिए। अधेरी दिशा में नदी का किनारा किसी की धधा कहती चिता जल रही है। वाली के टुकड़ा में कवि जी हमारे बिरहा के अंदर कितना बढ़िया भाव लिख ले। एक पुत्र की याद में असलम बादशाह रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? कहां रो कि असलम खुदा तेरा बंदा, कहां रो कि असलम खुदा तेरा बंदा, मेरे ऊपर कैसा सितम आ रहा है। यार लाल क्या बात है। इस भाव पर आप परम आदरणीय शहीद स्मारक धरती क्षेत्र से माननीय पारसनाथ नेताजी, आप गरीबों के मसीहा बोले जाते हैं, आपके कोमल कर से 101 रुपए के आशीर्वाद मिलल बा। आए हुए पिता तुल नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, आज बड़ी खुशी की बात भइल बा। इस पवित्र पावन धरती पर आप लोगन के चरण के आशीर्वाद मिलल, लेकिन असलम आंख में आंसू लेके बाबूजी रो रहे हैं। कहना है कहां रो कि असलम खुदा तेरा बंदा, कहां रो कि असलम खुदा तेरा बंदा, मेरे ऊपर कैसा सितम ढा रहा है। असलम खुदा तेरा बंदा, मेरे ऊपर सितम ढहा रहा है। आप परम आदरणीय बड़े मान सम्मान के साथ आप मुमताज नाई जो हमारे धनिया मऊ के नंबर एक बाल बनाने वाले पड़ी नव भैया के कोमलकर से धरिया मऊ के सरजमी से 101 रुपए कुछ शाबर्धन मिलल बा। चरणों में 100 बार पलगी बा, लेकिन कहना है खुदा कैसी रहमती, खुदा कैसी रहमती, ये जलवा तुम्हारा मेरे ऊपर कैसा सितम धारा। क्या खुदा मैं आपका बंदा नहीं हूँ, मैं आपका लाडला नहीं हूँ। आप हमको एक पुत्र नहीं दिए, अपने महल के अंदर गम में डूबे हुए हैं। खुदा से असलम कहलेन का कहलेन महाराज शेर के लाइन मास्टर गम में
में रातों दिन असलम थे दुखारी जी, घर में तीन बेखम पुत्र बिन लच्चारी थी। लेकिन कहना है मास्टर, चाह दोनों बेगम की असलम खूब लगाती थी, चाह दोनों बेगम सी असलम खूब लगाते थे, छवि क्या तीसरी पे भारी सितम ढाते थे। जिक्र एक रोज का एक दूध वाला आता था, जिक्र एक रोज का एक दूध वाला आता था। बाबूजी एक रामदेव यादव नाम के दूध देने वाले डेली एक लीटर दूध देते थे, लेकिन बाबूजी गौर करी है, कहना है क्या कहना है। चाह दोनों बेगम की असलम खूब लगाती थी, छवि क्या तीसरी पे भारी सितम ढाती थे। जिक्र एक रोज का एक दूध वाला आता था, घर में अपने तीसरी बेगम बैठाती थी। बाबा शेर बाबूजी गौर करी है, वह रामदेव यादव एक लीटर दूध डेली देने के लिए असलम बादशाह के यहाँ आते थे। धीरे धीरे साल पर बीत गया, एक दिन बादशाह के तीसरी बेगम बुला के कहती है कि ये रामदेव ये दूध वाला इधर आओ। रामदेव अवाक रह गई, कहलन कि अरे बाप रे बाप, आखिर बात क्या है कि तीनों बेगम डेली मुझसे देहुड़ी के बाहर दूध लेती थी, लेकिन आज कारण क्या है कि असलम बादशाह के तीसरी बेगम हमको अंदर बुला रही है दूध देने के लिए। रामदेव यादव समझ गए ने राम मूरत भैया कौनों दाल में काला मकाला बा, लेकिन उस समय तीसरी बेगम आवाज लगाती है कि रामदेव आज आपको देहुड़ी के अंदर दूध देना पड़ेगा। कांपते हुए बल्टा लेके पहुंच गई लेन अंदर। जब एक लीटर दूध तीसरी बेगम रामदेव यादव से नपवा के रख लिस, रखने के बाद तीसरी बेगम रामदेव यादव के साथ कैलिस का विदेशिया के लाइन मास्टर बाबा। बाबा किटर हो ना हराना ही, हे राम देवा आई गईले दूध देवे चली गईले असलम के।